हेलो व्यूअर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल के अंडर इवेंट सेमेस्टर का फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है। तो कैसे आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप करने के लिए कौन सा स्टेप फॉलो करना होगा, या फिर आपका कोई सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री है तो उस सब्जेक्ट में आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना होगा, इस रिलेटेड हम सारी स्टेप्स देख लेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। पर दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर हम नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी रिलेटेड रेगुलर अपडेट देते रहते हैं। तो नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी रिलेटेड रेगुलर अपडेट पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इसके सिवा भी आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम, फेसबुक एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिखेगा, तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को विजिट करना मत भूलिएगा, ताकि आगे भी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल पे चले आए। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको एक ब्राउजर ओपन करना है। अगर आप मोबाइल से करते हैं तो उस केस में आप मोबाइल पे क्रोम ब्राउजर ओपन कीजिए। दूसरी कोई ब्राउजर ओपन करने से आपको मुश्किल आ सकता है तो मोबाइल पे क्रोम ब्राउजर यूज कीजिए। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको सिंपली गूगल पे जाना है और यहाँ पर लिखना है NBU एग्जाम्स। लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है और इसके बाद जो सर्च रिजल्ट आपको शो करेगा उनमें से सबसे ऊपर आपको दिखेगा NBU एग्जामिनेशन मैनेजमेंट। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही आपके सामने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल का ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपके मोबाइल पे सेम व्यू शो नहीं करता तो उस केस में आप अपने मोबाइल के राइट कॉर्नर में 3 डॉट ऑप्शन में जाके डेस्कटॉप मोड ऑन कर लीजिए, तो उस केस में आपका मोबाइल पे सेम व्यू शो करेगा। तो इसके बाद आपको ऑप्शन दिखेगा सेंटर में स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, तो सिंपली आपको यहाँ से स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक ऐसा विंडो शो करेगा जहाँ पर आपको 3 विंडो दिखेगा, रिजल्ट, एडमिट कार्ड, एग्जाम रूटीन एंड फॉर्म्स। तो सिंपली आपको लेफ्ट में जाना है फॉर्म्स में। फॉर्म्स में जाने के बाद नीचे आपका ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपका UG CBCS सेमिस्टर का ऑप्शन दिखेगा, एग्जाम फॉर्म्स। तो अगर आप इवेंट सेमिस्टर से है तो यहाँ पर इवेंट सेमिस्टर शो करेगा, और अगर आप ऑड सेमिस्टर है तो उस केस में आपको ऑड सेमिस्टर यहाँ पर शो करेगा। दोनों का ही फॉर्म फिलअप प्रोसेस सेम है। अगर आप ऑड सेमिस्टर में है तो उस केस में आप यहाँ से ऑड सेमिस्टर सिलेक्ट कीजिए, और अगर इवेंट सेमिस्टर में है तो यहाँ से इवेंट सेमिस्टर सिलेक्ट कीजिए। तो सिंपली मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ अपना सेमिस्टर। इसके बाद आपके सामने एक ऐसा विंडो शो करेगा जहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, और नीचे आपको कैप्चा ऑप्शन यहाँ पर फिल करना है, और नीचे आपको शो बटन दिखेगा, तो यहाँ पर सिंपली आपको शो बटन पे क्लिक करना है। सारे डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली शो बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया और कैप्चा फिल करके सिंपली शो बटन पे अभी क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा विंडो शो करेगा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पर आपका कुछ ऐसा विंडो शो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आप नॉट एलिजिबल है, तो उस केस में आपको कॉलेज या डिपार्टमेंट में इमीडिएटली आपको कांटेक्ट करना होगा, क्यों आपका विंडो यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उस केस में आपको यहाँ पर नॉन एलिजिबल शो कर सकता है, उस केस में आपको कॉलेज या फिर अपने डिपार्टमेंट में कंसल्ट करना है। मेरे केस में यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 सब्जेक्ट शो कर रहा है फॉर्म फिलअप के लिए। एक तो मेरा रेगुलर है जो है 6 सेमेस्टर का, और दूसरा मेरा सप्लीमेंट्री है जो है प्रीवियस ईयर का सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट का, उसका है 4 सेमेस्टर का। तो यहाँ पर मुझे 2 फॉर्म शो कर रहा है। तो अगर आपका कोई सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट नहीं है तो उस केस में आपको सिर्फ एक ही रो शो करेगा, पर आपको दिखेगा कि आप रेगुलर है और एलिजिबल है। उसके बाद यहाँ पर आपको फीस पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपली यहाँ पर आपको फीस पेमेंट पे क्लिक करके फीस पेमेंट करना है। पर मेरे केस में यहाँ पर सप्लीमेंट्री है तो इसलिए मुझे 2 रो शो कर रहा है। तो यहाँ से मैंने ऑलरेडी मेरा जो रेगुलर है उसका पेमेंट कर लिया है, तो अभी मैं सप्लीमेंट्री की पेमेंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर से आपको एक के बाद एक 2 पेमेंट करना है। याद रखिए 2 ही पेमेंट करना है, एक बार एक कंप्लीट होने के बाद दूसरा करना है अगर आपका सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट है, अदरवाइज आप सिर्फ रेगुलर को पे करके अपना फॉर्म फिलअप प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। सबसे ऊपर आपका जो कोर्स है वो दिखेगा और सेमिस्टर दिखेगा। उसके बाद आपका नेम यहाँ से शो करेगा, आपका फादर्स नेम दिखेगा। उसके बाद यहाँ से आपका जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर 2 लाइन में आपका एड्रेस फिल करना है, और नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन फिल करना है। उसके बाद आपका पिन कोड यानी कि पोस्टल कोड यहाँ पर देना है, आपका स्टेट यहाँ पर देना है, आपका वैलिड मोबाइल नंबर यहाँ पर प्रोवाइड करना है, और नीचे आपको आधार नंबर देना है। उसके बाद नीचे आते ही और कुछ ऑप्शन आपको दिखेगा, जैसे कि यहाँ पर आपको
एक वैलिड ईमेल आईडी प्रोवाइड करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट करना है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर कैलेंडर ओपन होगा, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है और नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा एबीसी आईडी का, तो यहाँ पर आपको जो एबीसी आईडी नंबर है वो देना है। अगर आपको पता नहीं है कैसे आप एबीसी आईडी क्रिएट कर सकते हैं तो उस रिलेटेड एक वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको वीडियो दिखेगा, वहां पर क्लिक करके भी आप कैसे अपना एबीसी आईडी क्रिएट करना है उसका वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको शो करेगा रिलीजियन, तो यहाँ पर क्लिक करके आपका जो रिलीजियन है वह यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद शो करेगा यहाँ पर कास्ट, तो यहाँ पर अपना जो कास्ट है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा, एससी है, एसटी है, ओबीसी ए, ओबीसी बी या फिर जनरल है, जो है यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको दिखेगा फीस, यानी कि कितना फीस आपको पेमेंट करना है वो यहाँ पर आपको शो करेगा। और उसके बाद नीचे आपको दिखेगा यहाँ पर सब्जेक्ट, तो यहाँ पर मेरे केस में एक ही सब्जेक्ट शो कर रहा है, पर आपके केस में यहाँ पर चार सब्जेक्ट शो करेगा। यहाँ पर सब्जेक्ट आप चेंज नहीं कर सकते, अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कोई भी गलती आपको दिखता है तो उस केस में आप अपने कॉलेज या फिर डिपार्टमेंट में कॉन्टेक्ट कीजिए कि मेरे जो सब्जेक्ट है वो यूनिवर्सिटी की फॉर्म फिलअप में गलत दिखा रहा है। और उसके बाद नीचे आपको दिखेगा सेव, तो सारी डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पर आपको फाइनली सेव पे क्लिक करना है और सेव के नीचे आपको कुछ ऑप्शन और इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिखेगा, जैसे कि यहाँ पर आपको फोटो शो करेगा, इन केस अगर आपका फोटो यहाँ पर शो नहीं करता तो उस केस में आप चॉइस फाइल पे सिलेक्ट करके अपना फोटो सिलेक्ट करके अपलोड फोटो पे क्लिक कीजिए और अपना फोटो यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। याद रखिए आपका फोटो 20 से 50 केबी के अंडर होना चाहिए। कैसे आप फोटो क्रिएट कर सकते हैं उसके रिलेटेड भी एक वीडियो हमारे चैनल में ऑलरेडी है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से देख सकते हैं कैसे आप अपने डिवाइस से 20-50 केबी के अंडर फोटो क्रिएट कर सकते हैं। और इसके सिवा नीचे आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन शो करेगा, जैसे कि आपका पेमेंट ऑनलाइन मोड में होगा, अगर कोई भी गलती आता है आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में तो इमीडिएटली अपने कॉलेज पे कॉन्टेक्ट कीजिए, फीस पेमेंट करने के बाद ही आप अपना प्रिंट आउट निकल सकते हैं, जो आपका फॉर्म फिलअप होगा उसका प्रिंट आउट आप फीस पेमेंट करने के बाद ही निकल सकते हैं। फीस पेमेंट करने के बाद जो प्रिंट आउट कॉपी आपको शो करेगा उसका एक प्रिंट आउट आपके पास एज ए रिकॉर्ड सेव रखिए, फ्यूचर में आपको काम में लग सकता है। और जो एप्लीकेशन फीस है वो नॉन रिफंडेबल है। याद रखिए अगर फॉर्म फिलअप के टाइम आपका कोई गलती होता है तो उस केस में आप फॉर्म को एडिट नहीं कर सकते, तो ध्यान से फॉर्म को फिल कीजिए। यहाँ पर मैंने फॉर्म फिल कर लिया है, एक बार फिल करने के बाद अच्छे से चेक कर लीजिए क्योंकि बाद में आप इसको एडिट नहीं कर सकते। तो फिल करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको सेव ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपली आपको यहाँ पर सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपका जो अमाउंट है वो यहाँ पर आपको एक बार चेक करना है कि अमाउंट यहाँ पर ठीक शो कर रहा है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड अदर्स ऑप्शन यहाँ पर शो करेगा। मेरा सजेशन रहेगा यहाँ पर आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कीजिए, यूपीआई में काफी बार प्रॉब्लम होता है तो उस केस में आपको कोई परेशानी ना आए इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पर से आप अपना कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आपको अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी और कार्ड होल्डर नेम देने के बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। अपने कार्ड डिटेल्स देने के बाद यहाँ पर आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करते ही आपके सामने ऊपर एक ऐसा पॉपअप विंडो शो करेगा जहाँ पर आपको अपना चार्जेस दिखाएगा। उसके बाद आपको नीचे प्रोसीड टू पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने फाइनल प्राइस शो करेगा और आपको ओटीपी देने का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पर सिंपली आपको ओटीपी देने के बाद कंफर्म पे क्लिक करना है। फिर आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा और आपको कुछ ऐसा ऑप्शन दिखेगा जहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं और अपना नाम देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा प्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म, तो अपना फॉर्म को प्रिंट करने के लिए सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद आपके डिवाइस पे कुछ ऐसा कॉपी डाउनलोड होगा जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका कोर्स डिटेल्स, आपका नाम, एड्रेस शो कर रहा है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, एबीसी आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कास्ट और नीचे आपका कॉलेज और जो फीस आपने पेमेंट किया है उसका यहाँ पर डिटेल शो करेगा। नीचे आते आपको सब्जेक्ट दिखेगा जिन सब्जेक्ट का आपने पेमेंट किया है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, जो जो सब्जेक्ट में यहाँ पर प्रैक्टिकल शो करेगा उस सब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना है और जिन सब्जेक्ट में यहाँ पर थ्योरी शो करेगा उनमें आपको थ्योरी एग्जाम देना है।
जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल शो करेगा उनमें प्रैक्टिकल आपको कॉलेज में अटेंड रहकर देना है। याद रखिए, अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम में अटेंड नहीं रहे उस केस में आपको उस सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री शो करेगा, तो इसीलिए प्रैक्टिकल पे थोड़ा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अलग से प्रैक्टिकल एग्जाम भी देना होगा, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल पेपर भी देना होगा। तो व्यूअर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल का जो फॉर्म फिलअप का प्रोसेस था वो यही था। आगे भी यूनिवर्सिटी के सारे इन्फॉर्मेशन पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारे ग्रुप्स में ज्वाइन करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम रेगुलरली यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल में प्रोवाइड करते हैं, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।